तो बताओ, अगर मैं आपको पूछूं किसी भी गन से हेडशॉट लगाने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, क्या वो सेंसिटिविटी है, क्या वो हाई रेट ऑफ फायर वाला गन स्किन है, क्या वो डीपीआई है, अगर आप इनमें से किसी को चुनते हो तो आप गलत हो। बात पसंद नहीं आया तो सेंसिटिविटी को जीरो करके ट्रेनिंग मैच में नो गन स्किन में खेल के देखो, आपका एक दो हेडशॉट तो इजीली लग जाएगा। सेंसिटिविटी एंड डीपीआई हेडशॉट लगने के लिए मदद जरूर करते हैं, बट जो मेन चीज है वो कुछ अलग है। तो स्ट्रोम शक्ति बता देना सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है। सुनो, आप 100 सेंसिटिविटी कर लो, डीपीआई भी यूज कर लो, बट तभी भी आपका हेडशॉट परफेक्टली हर गोली नहीं लगेगा जब तक आप अपना एमिंग को सही नहीं करते हो। वन टैप हेडशॉट के लिए जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है वो है एमिंग। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपना एमिंग को कैसे ठीक करना है, एंड उसके साथ साथ बताऊंगा आपको कैसे ड्रैग करना है, आपको स्ट्रेट ड्रैग करना है या फिर रोटेशन ड्रैग करना है, एंड क्या आपको डीपीआई यूज करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो कितना यूज करना चाहिए, और मैं पर्सनली क्या यूज करता हूँ। और बात करें हेडशॉट सेटिंग्स का, वो मैं इसका पार्ट वन वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद उस वाली वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वहां पे मैंने बताया कि आपका हेडशॉट क्यों मिस होता है। और हाँ, अगर आप अपना भाई के चैनल को डूबने से बचाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। अगर इस वाली वीडियो में 24 घंटे के अंदर 3000 लाइक कंप्लीट हो जाते तो मेरे पास वन टैप हेडशॉट के तगड़ी तगड़ी टिप्स है, वो सारा कुछ मैं आपको शेयर करूंगा। तो लोंडो, ऐसा बात है, अगर आपका एमिंग सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो चाहे गेम हो या फिर लाइफ। पहले जानते हैं एमिंग क्या है। देखो, जो ये व्हाइट कलर का सर्कल दिख रहा है उसे बोलते हैं अपना एम, एंड आप जब भी उसी एम को किसी चीज के ऊपर सेट करते हो उसे बोलते हैं एमिंग। अरे स्ट्रोम शक्ति, ये क्या बता रहा है, हमको डायरेक्ट बता देना हर गोली हम कैसे हेडशॉट लगाएंगे। सुनो यार, आप सभी चीज को सही कर लेते हो, बट यही एक चीज के लिए आपका हेडशॉट मिस होता है। अगर लगता भी है तो सारे गोली हेडशॉट नहीं लग पाता है। तो स्ट्रोम शक्ति, अभी तो बता दे हमको सही में कहां पर एम को सेट करना है एनिमी के ऊपर, जैसे कि हम जो भी गोली मारे वो हेडशॉट ही लगे। बताता हूँ, एमिंग तीन टाइप का होता है। एक होता है लॉन्ग रेंज एमिंग, दूसरा होता है मिड रेंज एमिंग, एंड तीसरा होता है शॉर्ट रेंज एमिंग, जो कि इतना इजी है आप एक बार में सीख जाओगे, बट कोई भी ये चीज आपको बताया नहीं है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को फुल देखो, क्योंकि एमिंग के साथ साथ ड्रैग टेक्निक भी मिला हुआ है। आप एमिंग सीख जाओगे, सही से ड्रैग नहीं कर पाओगे तो आप हेडशॉट की बात भूल जाओ। लॉन्ग रेंज एमिंग का मतलब कि अगर एनिमी आपसे काफी दूर है, जहां पर आपका एम जो है जिसको बोलते हैं क्रॉस एयर, एनिमी का साइज जैसा दिख रहा हो, तो तभी आपको कैसे एम को सेट करना है। सुनो, जब भी एनिमी आपसे दूर हो, देना आपको कोशिश करना है आपका एम जैसे एनिमी के बॉडी के ऊपर हो एंड उसका कलर रेड हो, एंड वहां पे आपको कैसे ड्रैग करना है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बट अभी जान लो, अगर एनिमी का डिस्टेंस आपसे कम हो, वो लॉन्ग रेंज पर भी ना हो कि शॉर्ट रेंज पर भी ना हो, सीधी बात में बोले तो अगर एनिमी मिड रेंज में होगा तो आपको एमिंग कैसे करना है। ध्यान से सुनो, आपको ड्रैग करते टाइम आपका एम को एनिमी के बॉडी के आसपास रखना है, एग्जैक्टली बॉडी के ऊपर नहीं रखना है, बट एम का जो कलर होना चाहिए वो रेड होना चाहिए, तभी जाकर आपका परफेक्ट एम लॉक हो पाएगा। अभी बात करते हैं सबसे हार्ड एमिंग, जो कि 90% बंदे ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए उनका लॉन्ग रेंज पर, मिड रेंज पर तो वन टैप लग जाता है, बट शॉर्ट रेंज में एक भी वन टैप नहीं लग पाता है। शॉर्ट रेंज पर ज्यादा टाइम एम जो होता है बॉडी के ऊपर लॉक हो जाता है, जिसके वजह से परफेक्टली आपका हर गोली हेडशॉट नहीं लग पाता है। तो स्ट्रोम शक्ति बता देना हमको शॉर्ट रेंज में कैसे एम को सेट करना है, और हमको प्रूफ भी चाहिए, क्या तेरा शॉर्ट रेंज में वन टैप लगता है या फिर हमको उल्लू बना रहे। तो चलो, अपना भाई के ऊपर डाउट किए हो तो देख ही लो, तो मैं एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में वन टैप लगा के दिखाता हूँ। उसका एक बंदे को हमने हेडशॉट का नींद चुला दिया है, और उसका जो टीममेट है उसके पास MP5 है, देख के खेलना पड़ेगा हमको। ये बात बजा के बाद साइड में आपको कैसे एम को लॉक करना है सीख लो। आपको ड्रैग करते टाइम अपना एम जो है क्रॉस एयर को एनिमी के आसपास रखना है, एंड यहाँ पे जो एम का कलर होना चाहिए वो व्हाइट रहना चाहिए, जो कि मेन चीज है। एनिमी के हेड के ऊपर एम को कैसे सेट करना है तो वो सीख लिए, बट सही तरीके से ड्रैग करना नहीं सीखोगे तो एक भी वन टैप नहीं लगा पाओगे। बेसिकली ड्रैग दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रेट ड्रैग एंड दूसरा होता है रोटेशन ड्रैग। ऐसे नेम सुन के घबराओ मत, तुम्हारा भाई 2 मिनट में तुमको समझा देगा। स्ट्रेट ड्रैग में अपना फायर बटन को सीधा ऊपर की तरफ ड्रैग करना पड़ता है, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। वहीं रोटेशन ड्रैग टेक्निक में अपना फायर बटन को आपको घुमा फिरा के फायर करना पड़ता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। तो अभी हमको सीखना है लॉन्ग रेंज पर एम को सेट करने के बाद किस तरीके से ड्रैग करना है, मिड रेंज में कैसे ड्रैग करना है, एंड शॉर्ट रेंज में कैसे ड्रैग करना है।
एमिंग एंड ड्रग का बाप बेटा जैसा कनेक्शन है। लॉन्ग रेंज पर एम को एनिमी के बॉडी के ऊपर रखने के बाद क्रॉस एयर रेड होने पर आपको स्ट्रेट ड्रैग करना है, जैसे कि इस क्लिप में देख सकते हो। वहाँ पे भी आपको और एक चीज पर ध्यान रखना है, जो कि है ड्रैग स्पीड। आप स्ट्रेट ड्रैग तो कर लोगे, बट आपका ड्रैग करने का स्पीड कम होनी चाहिए। कम होगी तो एनिमी के हेड के ऊपर एम लॉक होकर एनिमी को हेडशॉट लगेगा। ज्यादा स्पीड होगा तो एनिमी के सर के ऊपर से निकल जाएगा। मिड रेंज ड्रैग आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फाइट मिड रेंज में होता है। तो मिड रेंज में हर गोली वन टैप हेडशॉट मारने के लिए आपको अपना एम को एनिमी के आसपास रखने के साथ साथ स्ट्रेट ड्रैग करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप ड्रैग करते टाइम जो आपका फिंगर का स्पीड रहेगा वो लॉन्ग रेंज से थोड़ा ज्यादा रहेगा, तभी जाकर आपका मिड रेंज में एम लॉक होगा एंड मक्खन की तरह हेडशॉट लगेगा, जैसे कि इस वीडियो क्लिप में देख रहे हो। शॉर्ट रेंज पर एमिंग करने के बाद, जो कि एनिमी के बॉडी के आसपास वाइट एम रखने के बाद आपको कैसे ड्रैग करना है, यहाँ पे स्ट्रेट ड्रैग काम नहीं करेगा, क्योंकि एनिमी बहुत क्लोज पर होगा एंड मूवमेंट भी कर रहा होगा। यहाँ पे आपको करना है रोटेशन ड्रैग। सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है, असल में उतना नहीं है। रोटेशन ड्रैग में आपका फायर बटन को आपको रोटेट यानी घुमाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा दोगे, आपको एनिमी के डायरेक्शन पर फायर बटन को घुमाना है, जैसे कि वीडियो में देख रहे हो। एंड जो रोटेट करने का स्पीड है वो मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज से ज्यादा होना चाहिए। अभी ध्यान से सुनो, ये सब चीज जो है 1 से 2 सेकंड के अंदर आपको करना है। उसके लिए बेस्ट टिप ये होगा कि आप हमेशा अपना एम को एनिमी के आसपास रखो एंड सिचुएशन के हिसाब से अगर एनिमी आपके पास में है तो आपको एम को वाइट रखकर रोटेशन ड्रैग करना है। अगर मिड रेंज में होगा तो आपको स्ट्रेट ड्रैग करना है एंड अगर लॉन्ग रेंज में होगा तो आपको धीरे से स्ट्रेट ड्रैग करना है। अरे स्ट्रोम शक्ति, ए तो बता दे, क्या डीपीआई यूज करना सही है? क्या हमको भी डीपीआई यूज करना चाहिए? क्या तू खुद डीपीआई यूज करता है? तो सुनो, डीपीआई एक ऐसा चीज है जिसका जितना फायदा है उतना ही नुकसान है, और अगर तुम ज्यादा ही इंक्रीज कर लो तो आपका फोन भी खराब हो सकता है। वो बात तो साइड में है, अगर आप डीपीआई को यूज करते हो तो आप फ्री फायर का ऑफिशियल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। मैं पर्सनली डीपीआई को यूज नहीं करता हूं। तो अगर आप इस वीडियो पे 24 घंटे के अंदर 3000 लाइक एम कंप्लीट कर देते हो तो इस वीडियो का पार्ट 3 भी मैं लाऊंगा, उसमें बताऊंगा फायर बटन का साइज आपको क्या रखना चाहिए। और अगर आप लोग फ्री में टूर्नामेंट खेलना चाहते हो तो हमारा लाइव चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वहाँ पे आपको मेरा गेम प्ले एंड टूर्नामेंट का हाईलाइट देखने को मिल जाएगा। अगर बिना डीपीआई के मेरे जैसा अपना डिवाइस का स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके देख लो, और अगर ड्रैग टेक्निक के ऊपर डिटेल्स में जानना है तो राइट वाले वीडियो आपका काम का है।